EOS equals to minus log base 10 concentration of OH minus ion. तो कोई भी आपके पास बेस आ गया, अगर बेस की कंसंट्रेशन गिवन है तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे POH. POH इक्वल्स टू क्या होती है, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. अब एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल से पहले एक बात और बता देता हूँ कि pH प्लस POH इसका जो सम रहता है वो आपके पास क्या होगा, हमेशा 14 होगा. pH प्लस POH इसका जो सम रहेगा वो आपके पास कितना होगा, 14 होगा. इस चीज का ध्यान रखिएगा. आइए आगे देखते हैं कैसे अपन कैलकुलेट करते. एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इज 10 to the power minus 5. Concentration of NaOH is 10 to the power minus 5. आपको कैलकुलेट क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है pH of solution value. Solution की आपको क्या बतानी है, pH बतानी. Concentration given है NaOH की, वो आपके पास कितनी है, 10 to the power minus 5. Then pH of solution value. तो सॉल्यूशन की पीएच क्या होगा, तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं. आपको गिवन है NaOH सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, मींस आपके पास है क्या, OH माइनस आयन. तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कितना आएगा आपके पास, वो आएगा 10 टू दी पावर माइनस 5. तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, अपन पहले कैलकुलेट करेंगे POH. POH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. ये आपके पास POH का फॉर्मूला होता है. तो POH आपके पास क्या आएगा, POH इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 10 टू द पावर माइनस 5 या POH आपके पास कितना आ जाएगा, 5. कैलकुलेट क्या करनी थी आपको, आपको कैलकुलेट करनी थी pH. अपने को पता है कि 14 इक्वल्स टू क्या होता है, pH प्लस आपके पास क्या आता है, POH. तो 14 इक्वल्स टू pH कैलकुलेट करनी है प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 5. तो pH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9. ये आपके पास क्या आ जाएगी, pH आ जाएगी. ऐसे अपन क्या करते हैं, अगर आपको कोई बेस गिवन हो तो उस बेस की आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पीएच कैलकुलेट कर सकते हो. आइए एक एग्जांपल और देखते हैं अपन. आपको गिवन है एक कंसंट्रेशन ऑफ HNO3. कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इज 10 टू द पावर माइनस 6. देन कैलकुलेट इट्स पीएच. देन कैलकुलेट इट्स पीएच. आपको इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है. If concentration of HNO3 is 10 to the power minus 6, then pH of solution will be, आपको pH calculate करनी. तो pH calculate करने के लिए formula क्या आएगा, वो आएगा minus log base 10 concentration of आपके पास क्या आ जाएगा, H plus N. अब acid क्या करता है, H plus N remove करता है. तो आपके पास यहाँ पे H plus N की concentration given है, वो कितनी हो जाएगी, 10 to the power minus 6. अब आप क्या करोगे, pH कैलकुलेट करोगे, तो pH क्या आएगी, pH इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 10 टू द पावर माइनस 6. या आपके पास जो pH है वो कितनी आ जाएगी, 6. log बेस 10 10. या आपके पास जो pH है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे pH ऑफ सॉल्यूशन विल बी 6. अगर
वही अगर आपको पूछ लेगी व्हाट इज द पीओएच, इसकी पीओएच कितनी होगी, व्हाट इज द पीओएच, अगर पीओएच की बात करें अगर अपन तो क्या करेंगे, अपने को पता है कि 14 इक्वल्स टू क्या होता है पीएच प्लस पीओएच, पीएच अपने पास 6 है, पीओएच अपने को कैलकुलेट करनी है, तो पीओएच क्या आ जाएगा 14 माइनस 6 पीओएच इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ऐसे अपन क्या करते हैं पीएच और पीओएच कैलकुलेट करते हैं, पीएच और पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बता दिया मैंने आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसे सिंपल से आएंगे तो आप इजीली कर सकते, ओके। तो ये आपके पास पीएच हो गया, पीएच वाला टॉपिक, पीओएच वाला टॉपिक हो गया, आगे चलते हैं अपन। अब देखिएगा इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद आपके पास जो टॉपिक आएगा वो सॉल्व है। अपने सबसे पहले टॉपिक अपन ने पढ़ा था एसिड एंड बेस, तो एसिड एंड बेस के बेसिस पे अपने चैप्टर में टोटल एक्टिविटीज गिवन है क्या है, मैंने आपको कहा था सैटरडे को करवाऊंगा, मैं सैटरडे को किसी कारण से हो नहीं पाया, तो आज अपन किसकी बात करेंगे, एक्टिविटीज की बात करेंगे कि टोटल 10 एक्टिविटीज है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैं भी आपने खुद में क्या करा होगा उसको करके देखा होगा कि आपसे हुई कि नहीं हुई। तो आइए डिस्कस करते हैं टोटल जो एक्टिविटीज जितनी आज हो सकती है उनको, स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट से। एक्टिविटी फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, देखिएगा फर्स्ट एक्टिविटी में क्या था कि आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, है ना, कि लेबोरेटरी से ये कंपाउंड आप लीजिए, लाइक आपने ले लिया HCl, लाइक आपने ले लिया HNO3, H2SO4, आपने ले लिया CH3COOH, साथ में आपने ले लिया NaOH, आपने ले लिया KOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, है ना। आपको क्या करना है कि एक्टिविटी फर्स्ट में ये कहा गया है कि लेबोरेटरी से कुछ कंपाउंड लीजिए, कौन कौन से कंपाउंड थे, HCl था, HNO3, H2SO4, CH3COOH, NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। आपको ये बताना था कि ये क्या क्या चेंजेस करते हैं जब आप इसमें इंडिकेटर के साथ इनकी रिएक्शन करवा लेते हैं, कि आपने जैसे इनके एक्वस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस मिक्स करा, ब्लू लिटमस को डिप करा, आपने इसके एक्वस सॉल्यूशन में रेड लिटमस को डिप करा, आपने इसमें फिनॉल स्टेरिन इंडिकेटर मिक्स करा, आपने इसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर मिक्स करा, आपने क्या है ब्लू लिटमस पेपर को उसमें डिप करा इनके एक सॉल्यूशन में, रेड लिटमस को डिप करा इनके एक सॉल्यूशन में, इनमें आपने फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर इसमें आपने मिलाया, आपने इनमें मिथाइल ऑरेंज मिलाया, तो क्या क्या चेंज हुए ये देखना है आपने को। तो सबसे पहले अपने को इसीलिए पता है कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं रेड, और बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस को क्या कर देते हैं ब्लू, ठीक है ना। तो अपने को देखना है कि इनमें से कौन से एसिड है कौन से बेस। तो अगर आप क्या करते हो HCl, HNO3, CH3COOH, H2SO4, इनमें अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास रेड कलर में, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास रेड कलर में, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये सारे आपके पास क्या है एसिड।
क्योंकि एसिडी क्या करता है, ब्लू लिटमस टेस्ट इसमें कन्वर्ट कर देता है रेड में। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास क्या है NaOH, आपके पास क्या है KOH, आपके पास है MgOH होल ट्वाइस और साथ में है CaOH होल ट्वाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें अगर आप क्या करते हो, ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हो, तो ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डिप करने पर नो चेंज होगा, कोई भी आपके पास इसमें चेंज नहीं होगा। तो अपने को ये पता है कि जो बेस होते हैं वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट नहीं करते रेड में, तो नो चेंज होगा, मतलब ये सारे आपके पास क्या हो गए, बेस हो गए। एसिड तो क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, बेस क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में रखते हैं, यानी कि वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। अब बात करें आगे की, रेड लिटमस पेपर डिप करोगे तो क्या, रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो एसिड के लिए तो क्या रहेगा, नो चेंज, कोई भी आपके पास चेंज नहीं होगा। और अगर अपन बेस की बात करेंगे तो बेस में क्या रहेगा, जो रेड लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लू में कन्वर्ट, रेड लिटमस पेपर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिएगा आपके पास एक्टिविटी फर्स्ट कर रहे थे अपन, ये आपके पास एसिड थे, ये आपके पास बेस थे, ब्लू लिटमस है तो ये किसको कन्वर्ट कर देगा, एसिड होगा तो रेड में, और अगर आपके पास बेस होगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। रेड लिटमस की बात करें तो एसिड को रेड में ही, एसिड में अगर डिप करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, रेड ही रहेगा, और बेस में कन्वर्ट करोगे तो वो आपके पास किसमें आ जाएगा, ब्लू में। बात करें फिनोफ्थेलिन की, फिनोफ्थेलिन एक इंडिकेटर है ना, लिक्विड में प्रेजेंट होता है। जब आप एसिड के अंदर फिनोफ्थेलिन की 2 or 3 ड्रॉप मिक्स करते हो तो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा कलर में, तो कलर में आपके पास जो रहेगा नो चेंज। और ये अगर आप बेस के सॉल्यूशन में फिनोफ्थेलिन डाल देते हो, है ना, बेस के सॉल्यूशन में अगर फिनोफ्थेलिन डाल देते हो तो आपके पास है लाइट पिंक कलर, लाइट पिंक कलर आएगा आपके पास, यानी कि फिनोफ्थेलिन एसिडिक मीडियम में कोई भी कलर शो नहीं करता है, और बेसिक मीडियम में आपके पास क्या है, लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज जो है वो भी आपके पास एक लिक्विड इंडिकेटर है, इसको अगर आप एसिड के अंदर मिक्स करोगे तो ये कौन सा कलर देगा आपको, रेड कलर, और अगर बेस के अंदर मिक्स करोगे तो कौन सा कलर देगा आपके पास, येलो कलर। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी थी कि फर्स्ट एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें कैसे करते हैं, तो ब्लू लिटमस को एसिड जो है वो रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, बेस कोई चेंज नहीं करता। रेड लिटमस को एसिड में कोई चेंज, एसिड में डिप करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, बेस में करते हैं तो किस में जाता है, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, मैंने आपको बताया था। फिनोफ्थेलिन की बात करें तो एसिड के कलर में कोई चेंज नहीं होगा अगर फिनोफ्थेलिन को मिक्स करोगे तो, अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लाइट पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज की मैं अगर बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है, और बेसिक मीडियम में आपके पास कौन सा कलर देता है, येलो कलर। ये आपके पास एक्टिविटी फर्स्ट थी। एसिड और बेस के बुक से जो है वो आपके पास 10 एक्टिविटीज दी गई है, तो अपन जो है वो फर्स्ट एक्टिविटी अभी डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट चलते आपके पास सेकेंड एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी जो है वो आपके पास ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर पे बेस्ड है, कि ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कि आपको ये कहा गया है कि एक तो आपके पास ऑनियन है, एक आपके पास वनीला एक्सट्रैक्ट है, और एक आपके पास क्लोव ऑयल। ये 3 चीजें हैं, ऑनियन है, वनीला एक्सट्रैक्ट है, क्लोव ऑयल। अब आपको ये कहा गया है कि अगर आप इसमें एसिड मिक्स करो और बेस भी मिक्स करो तो क्या हो, एसिड की 2-4 ड्रॉप डाल दो, अगर ऑनियन चॉप्ड कर रखे हैं, छोटे छोटे पीसेस कर रखे हैं ऑनियन में, तो क्या फर्क पड़ेगा, और अगर आपने उसमें बेस की 2 or 4 ड्रॉप डाल दी तो क्या फर्क पड़ेगा।
तो अगर आप क्या करते हो, चाहे ऑनियन ले लो, चाहे वनीला एक्सट्रैक्ट ले लो, चाहे क्लोवर ले लो, इसमें अगर आप एसिड की 2 or 4 drops मिक्स करते हो तो इसकी स्मेल जैसी पहले की वैसी ही रहती, जैसी स्मेल में आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मैंने आपको बताया था कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं कि वो जो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑर्डर देते हैं उसको आप क्या कहते हो, एसिडिक इंडिकेटर, सॉरी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हो। ये मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं एसिडिक और सॉरी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब क्या करते हो कि अगर जैसे आपने ऑनियन या वनीला एक्सट्रैक्ट या क्लोवर इसमें आपने एसिड मिक्स करा, एसिड की 2-4 drops मिक्स करी, तो इनके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर आप बेस की 2 or 4 drops मिक्स करते हो तो ये जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। चाहे आपके पास ऑनियन एक्सट्रैक्ट हो, यानी ऑनियन चॉप्ड हो, चाहे वनीला एक्सट्रैक्ट हो, चाहे आपके पास क्लोवर। ये एक्टिविटी सेकंड थी जो किससे बेस थी, आपके पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इन दोनों एक्टिविटीज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपना हैंड रेज करें जल्दी से। दोनों एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपना हैंड रेज करें जल्दी से। आइए नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी 3 पे। तो एक्टिविटी 3 क्या कह रही है आइए देखते हैं। एक्टिविटी 3 में ये आपके पास टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, यहां कोई टेस्ट ट्यूब लगा रखी है, ठीक है ना। यहां से जो ये टेस्ट ट्यूब है वो कनेक्टेड है सोप सॉल्यूशन में, ओके। ये आपके पास स्टैंड है टेस्ट ट्यूब का, ये आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पे एक कैंडल है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, एक तो आपके पास एसिड है, आप H2SO4 ले लो, चाहे आप क्या कर लो HCl ले लो, ठीक है। साथ में इसमें आपके पास जिंक ग्रेन्यूल्स है छोटे छोटे, और आप इसको क्या कर रहे हो कि गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो आपको ये पूछा है कि अगर आप इसको हीट करते हो, गर्म करते हो, जिंक की रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ करवाते हो, इसको हीट करते हो, तो हीट करने पे क्या क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे। अपन ने पढ़ा था कि जब भी आप क्या करते हो, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हो, तो एसिड के साथ करवाने पर आपको मिलेगा क्या, एक तो सॉल्ट मिलेगा प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, सॉल्ट मिलेगा और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो जब भी आप क्या कराओगे, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराओगे, ये जो एक्टिविटी अपने को कह रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, बबल्स का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही ये कैंडल के कॉन्टेक्ट में आएगा तो जो हाइड्रोजन गैस, जो बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस मिक्स हो चुकी थी, वो पॉपअप साउंड करेगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ये एक्टिविटी किसके बेस है कि आप क्या कर रहे हो, किसी एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवा रहे हो, जिंक के साथ करवा रहे हो। तो अपने को पता है मेटल के साथ अगर कोई एसिड रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता, H2 गैस इवॉल्व करता है। तो जो आपके पास यहाँ H2 गैस का फॉर्मेशन हुआ था वो कहाँ आ गया, सॉल्ट सॉल्यूशन में आ गया, और यहाँ से आपके पास जो बबल्स है उसका फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही कैंडल के कॉन्टेक्ट में आएगा
तो वो जो सॉफ्ट बबल है वो क्या करेगा, पॉपअप साउंड के साथ छूट जाएगा। अब पॉपअप साउंड किसके कारण से आता है, वो पॉपअप साउंड आता है हाइड्रोजन गैस के कारण, जो अपने को ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे एच टू गैस से जो क्या हो रही बाहर निकल रही है, एच टू गैस जो है वो इवॉल्व हो रही। और ये एक्टिविटी आपके पास पहुंचती थी थर्ड की। इसकी अगर आप केमिकल रिएक्शन देखोगे तो अगर जैडन है साथ में आप एच टू एच ओ फोर से रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, जैडन एच ओ फोर प्लस हाइड्रोजन गैस क्या है बाहर, ये इसकी आपके पास एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड में अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अपना हैंडल करे फटाफट। एक्टिविटी थर्ड में अगर किसी को कोई डाउट नहीं, फोर्थ एक्टिविटी क्या कहती है, अभी देखते हैं। फोर्थ एक्टिविटी जो है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन सारा यही है, इंस्ट्रूमेंट सारा यही है, बट एसिड की जगह पे आपको क्या करना है, यहाँ पे रिएक्शन करवानी है बेस। क्या आपने एसिड लिया, एसिड की जगह पे क्या करना है बेस से रिएक्शन करवाना। तो आपको ये भी पता है कि कुछ मेटल्स जो है वो बेस के साथ रिएक्शन अगर करेगी, मेटल प्लस बेस, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। अब कौन कौन सी मेटल रिएक्शन करती है बेस के साथ, वो मैंने आपको बताया था। एक तो आपके पास जो जिंक है वो रिएक्शन करती है, और एक कौन सी करती है, एल्यूमिनियम। इन दोनों को आप कौन सी मेटल कहते हो, एम्फोटेरिक मेटल को। एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल कौन सी होती है जिसमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों हो, वो एम्फोटेरिक मेटल होती है, यानी कि एसिड से भी रिएक्शन कर सकती है और बेस से भी रिएक्शन कर सकती है। तो जब आप रिएक्शन कराओगे Zn की 2MaOH के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, Na2ZnO2 प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व। इसको आप क्या कहते हो, सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, यानी कि पॉपअप साउंड करेगा। तो जब भी आप एसिड की या बेस की दोनों की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हो, तो मेटल के साथ करवाने पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। अब बेस से कौन कौन सी मेटल रिएक्ट कर सकती है वो मैंने आपको बता दिया। एक तो आपके पास जिंक जो है वो रिएक्ट कर सकती है, और सेकेंड आपके पास कौन रिएक्ट कर सकती है, एल्यूमिनियम रिएक्ट। तो ये अपनी फोर एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई। फर्स्ट और सेकंड एक्टिविटी बेस थी किसके, इंडिकेटर्स से, क्योंकि दो टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े थे अपन ने, तीन टाइप के पढ़े थे वैसे तो, नेचुरल पढ़ा था, आर्टिफिशियल पढ़ा था और ऑल्फैक्ट्री पढ़ा था। तो जो अपनी एक्टिविटीज थी, फर्स्ट तो इंडिकेटर थे, सेकंड थी ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर। थर्ड और फोर्थ एक्टिविटी किसके बेस थी, जो आप मेटल की रिएक्शन करवाते हो एसिड और बेस से, तो एसिड और बेस से रिएक्शन करवाने पर क्या होता है। अपनों को पता है कि अगर आप मेटल की रिएक्शन एसिड और बेस से करवाते हो तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। पता कैसे चलता है कि जब वो बबल्स का फॉर्मेशन करेगी, इन बबल्स में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी, तो जैसे ही कैमल के कॉन्टेक्ट में आएगी पॉपअप साउंड करेगा। तो इससे अपने को पता चलता है कि यहाँ पे कौन सी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी सिक्स पे। उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपना हैंड रेज करें। एक्टिविटी